अब लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम एक सर्च फिल्टर यूज़ करेंगे जिसमें हम डेटा फिल्टर करेंगे। जैसे कि हम कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो उसका डेटा हमारे सामने शो हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो कमांड रन करते हैं, जनरेट सी फॉर कंपोनेंट और सर्च डेटा, और एंटर प्रेस करते हैं और हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। कंपोनेंट क्रिएट होने के बाद हम इसको ऐप डॉट मॉड्यूल में ऐड करेंगे, और यहाँ पे ऐड करने के बाद हम इसको ब्राउज़र में रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च डेटा। तो इसको अभी हम ब्राउज़र में सर्च करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो चल रहा है। इसके बाद अभी हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी होगी, तो मैं जल्दी जल्दी एक लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट बनाने के बाद हम एक टेबल ऐड करेंगे, और टेबल हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से एक क्रिएट कर लेंगे। तो लिस्ट क्रिएट होने के बाद हम ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बूटस्ट्रैप टेबल, और यहाँ से कोई भी टेबल एक हम कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ से कोई भी कॉपी कर लेता हूँ एक टेबल, और टेबल कॉपी करने के बाद हम जाते हैं HTML में और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, और अभी इसको रन करके देखते हैं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे स्टैटिक डेटा है जो वो शो हो रहा है। तो इसको अभी हम डायनेमिक करेंगे, जो हमने अभी लिस्ट क्रिएट करी है। तो उसके लिए हम ng फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। एक्स्ट्रा कॉलम्स रिमूव करते हैं, और यहाँ से भी हम इसको नेम कर देते हैं, और नीचे वाले को मोबाइल। इसके बाद हम करते हैं ng फॉर लूप का इस्तेमाल। यहाँ पे हम लिखेंगे ng फॉर, उसके बाद लेट आइटम ऑफ, उसके बाद डेटा, एंड देन जो tr टैग्स हैं उसमें हम जो नेम और मोबाइल है वो डिफाइन कर देंगे। आइटम डॉट नेम और आइटम डॉट मोबाइल। तो अभी इसको सेव करेंगे। अब देखेंगे जो लिस्ट है डायनेमिक हो गई है। अभी हमें क्या चाहिए, इनपुट चाहिए जिस पे हम सर्च करेंगे डेटा, और वही फिल्टर होके हमें डिस्प्ले होगा। उसके लिए हम एक डिव ले लेते हैं। डिव के अंदर हम एक इनपुट टेक्स्ट ले लेंगे, और उसके अंदर हम एक चेंज इवेंट या क्लिक इवेंट चलाएंगे। तो यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं सर्च डेटा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको TS में भी डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर मैं इवेंट डॉट टारगेट की हेल्प से उसकी जो वैल्यू है वो गेट करूँगा। तो सर्च डेटा को कॉपी करते हैं, TS फाइल में जाते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और इसका एक मेथड बना लेंगे। यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, और इसमें जो है हम सर्च टेक्स्ट की वैल्यू जो है वो गेट कर लेंगे। और उसके बाद हम लगाएंगे वेर डेटा इज इक्वल टू दिस डॉट डेटा, एंड यहाँ पे हम लगाएंगे फिल्टर। फिल्टर में हम क्या करेंगे, आइटम लैम्डा एक्सप्रेशन, और उसके बाद जिस पर हमें फिल्टर लगाना है उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, आइटम डॉट नेम डॉट टू लोअर केस कर लेंगे उसको, और उसके बाद हम करेंगे इंक्लूड्स दिस, सॉरी दिस नहीं आएगा यहाँ पे आएगा सर्च टेक्स्ट, और इसको भी हम लोअर केस में कर लेंगे। बस इतना करने के बाद इसको हम सेव करके अभी आपको रन करके दिखाते हैं। तो मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ।
रिफ्रेश होने दीजिए पेज को। अभी हम सर्च करते हैं कुछ, तो ये चेंज नहीं हो रहा। मे बी हमें इसको क्लिक पे लगाया है, तो इसको की अप पे लगाना पड़ेगा। तो अभी जैसे मैंने इसको की अप पे लगाया, तो आप देख सकते हैं कि हम जैसे ही कुछ सर्च कर रहे हैं वो डेटा आ रहा है, लेकिन उसके बाद वो लिस्ट दोबारा से बाइंड नहीं हो रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम जो वैल्यू है वो ऐड करवाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, फिल्टर डेटा, और इसको एनी डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे भी हम लिखेंगे फिल्टर डेटा, और लूप के अंदर भी हम चेंज कर देंगे फिल्टर डेटा। और यहाँ पे जो है इसको हटाकर हम इसको डेटा के इक्वल कर देंगे। तो इसको फिल्टर डेटा इज इक्वल टू डेटा करना पड़ेगा, तभी जो हमारी लिस्ट है वो बाइंड होगी। तो मैं ये कर देता हूँ, और अब आप आउटपुट देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो मैंने इसके इक्वल कर दिया। अभी हम सर्च करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ रमन, तो आप देख सकते हैं डेटा फिल्टर हो रहा है। जैसे मैं एक स्पेलिंग भी टाइप करता हूँ वैसे ही सर्च होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।